हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम। तो जो आपका लास्ट टॉपिक था ना, उसमें हम लोग ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, है ना। शायद हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.11 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, दैट वाज आफ्टर शायद फोर्थ, है ना। बेटा मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी पढ़ाई कि अगर हमारे पास एक इंटीग्रल है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, हम इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं ए से लेकर सी तक एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से लेकर बी तक एफ एक्स डी एक्स। लेकिन कंडीशन यह है ए मस्ट बी लेस देन सी, सी लेस देन बी, दिस मींस जो पॉइंट सी है ना, इट इज इन बिटवीन द लिमिट्स, है ना। अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है ना, बिफोर गोइंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5, आप लोगों को मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन याद होगी। आप लोग कह रहे कि जो मॉड एक्स है ना सर, इसका वैल्यू आता है एक्स जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0, है ना, एंड दिस इज माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, इज इट इट। सपोज अब आपके पास है ये मॉड ऑफ एक्स प्लस 2, मॉड ऑफ एक्स प्लस 2, आप लोग कहेंगे इट इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 कब, जब एक्स प्लस 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। देखिए हम इसको ऐसे लिखते हैं एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 2, है ना, और दिस इज माइनस टाइम्स एक्स प्लस 2 जब एक्स लेस देन होगा माइनस 2। यही पॉइंट मुझे आपको सिखाना है, दिस बिकम्स माइनस जब ये वाला अंदर वैल्यू लेस देन होगा इससे, एंड दिस इज पॉजिटिव इफ इट इज ग्रेटर आर इक्वल टू दिस, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड दिस क्वेश्चन नंबर 18, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दे आर ऑफ द सेम पैटर्न, इसलिए मैंने आपको ये बोल दिया, ठीक है। बोलो आप क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 इज लाइक दिस, इंटीग्रल 2 to 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज लाइक दिस, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 8 मॉडुलस वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 5 इंटू डी एक्स। आप कंसंट्रेट कर लो, जो आपका इस वक्त सेंटर है ना वो क्या है 5, क्योंकि एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 5। तो आपने कहा सर मैं इस इंटीग्रल को ब्रेक कर सकता हूँ ना, तो आपने कहा बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, तो मेंशन करना प्रॉपर्टी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, वेरी गुड, सी से लेकर बी तक एफ एक्स डी एक्स, प्रोवाइडेड ए लेस देन सी, सी लेस देन बी, है ना। तो आपने कहा सर 2 से लेकर 8 तक मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 डी एक्स जो है ना सर, पहले लूंगा मैं 2 से लेकर 5 तक, 2 से लेकर 5 तक, 2 से लेकर 5 तक इसका वैल्यू आएगा माइनस, है ना, दैट इज माइनस टाइम्स एक्स माइनस 5 इनटू डीएक्स। फिर कहाँ से लेंगे, 5 से लेकर 8 तक, है ना, 5 से लेकर 8 तक मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 की जगह आएगा एक्स माइनस 5 इनटू डीएक्स, लेकिन पॉजिटिव। फिर एक क्लियर हुआ कैसे, क्योंकि एक्स माइनस 5 जो है ना मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 ये आएगा माइनस टाइम्स एक्स माइनस 5 कब, जब एक्स माइनस 5 इज लेस देन 0, है ना, एंड दिस इज एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 जब एक्स माइनस 5 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर इक्वल है ना। तो बेटा आपने कहा सर दिस इंप्लाई एक्स का वैल्यू जब लेस देन 5 होगा ना, यही है ना 2 से लेकर 5 लेस देन, तो ये माइनस टाइम है, और अगर 5 से ऊपर जाएगा तो ये क्या है पॉजिटिव। आप क्लियर, तो अब आपने कहा सर इसके बाद ये सिंपल इंटीग्रेशन है, अब हम इंटीग्रल करेंगे। आपने माइनस को बाहर रखा, एक्स की इंटीग्रेशन आएगी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 5x की आएगी माइनस 5x, और 2 से लेकर 5 है ना। यहाँ आपने कहा दिस इज एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 5x, लेकिन इंटीग्रल कहाँ से लेकर 5 से लेकर 8 तक, अब तो सॉल्व कर सकते हो ना, दिस इज माइनस 10 दे दो पहले 5, 25 डिवाइड बाई 2 माइनस 25, फिर माइनस फार्मूला अपर लिमिट माइनस, दिस इज 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2 माइनस 10, इजंट इट बेटा, हो गया ये क्लियर। यहाँ से आपने कहा दिस इज 64 डिवाइड बाई 2 दैट इज 32 माइनस 8 5 40, है ना, इसके बाद माइनस लोअर लिमिट दिस 25 डिवाइड बाई 2 माइनस 25, है ना। तो बेटा अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस इंटीग्रल, बेटा क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 सी, अब आप लोग बोलेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्वेश्चन नंबर 6 है दैट इज लाइक दिस, दैट इज माइनस 5 to 5 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, है ना।
तो इसका सेंटर क्या है, x प्लस टू इज इक्वल टू x इक्वल माइनस टू है ना। तो आपने कहा सर इसको मैं ब्रेकअप करूंगा ना, दिस इज इक्वल टू माइनस फाइव से लेकर माइनस टू तक पहले। Yes, अगर माइनस फाइव से लेकर माइनस टू था तो नेगेटिव आएगा पहले, तो माइनस टाइम एक्स प्लस, बेटा ये क्लियर हुआ इंटू डी एक्स। फिर कहा से माइनस टू से लेकर माइनस टू से फाइव तक, तो क्या आएगा एक्स प्लस टू, वेरी गुड इंटू डी एक्स। लेकिन यहाँ पर आप मेंशन करेंगे बाय दिस प्रॉपर्टी है ना, आपने यहाँ नोट करके रखना पॉइंट, आपने कहा बिकॉज मॉड ऑफ एक्स प्लस टू इक्वल टू एक्स प्लस टू जब x प्लस टू ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा। आपने कहा दिस इज माइनस टाइम्स x प्लस टू लेस देन जीरो। आपने कहा सर ये x ग्रेटर इक्वल टू माइनस टू है। यस सर। ये वाला वैल्यू। और सर x लेस देन माइनस टू है तो दिस वाला। यस सर। बेटा क्लियर? यस सर। इसके बाद सिंपल वही इंटीग्रेशन है ना। और इंटीग्रेशन आपने कहा एक्चुअली सर दिस इज माइनस फाइव से लेकर फाइव और इसके बीच में आता है माइनस टू। यस सर। जो लेफ्ट वाला होगा इसमें नेगेटिव, नेगेटिव जो राइट वाला होगा इसमें पॉजिटिव। तो इसके बाद इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना। यस सर। ओके। यस सर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 18 है ना आपके बुक पे वो भी इसी पैटर्न का था, तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखना बेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 इज इंटीग्रेशन 0 टू 1 इंटीग्रेशन 0 टू 1 x into 1 minus x over x power n into dx। बोलना कौन से प्रॉपर्टी यूज करेंगे आप लोग। आपने कहा बाय प्रॉपर्टी दिस 0 टू a f ऑफ x into dx से होता है बेटा 0 टू a f ऑफ a minus x into dx जो पहले चार क्वेश्चन में यूज किया है ना। तो आपने कहा देयरफॉर जो i है इक्वेशन फर्स्ट आई है ना, आई मिलेगा मुझे 0 टू 1 ए की जगह क्या है 1 ए माइनस एक्स तो 1 माइनस एक्स इनटू आएगा 1 माइनस एक्स की जगह आएगा 1 माइनस एक्स ओवर इस पावर एन इनटू डी। बेटा क्लियर हुआ? यस सर। प्रॉपर्टी है ना। यस सर। 0 टू ए ए दैट इज एफ ऑफ ए माइनस एक्स ए वो 1 माइनस एक्स। यस सर। ये 1 कांस्टेंट है अपना माइनस 1 माइनस एक्स ओवर एन इनटू। वे क्लियर? यस सर। तो आपने कहा दिस इज सर आई इक्वल टू 0 टू 1 1 माइनस एक्स एज इट इज दिस इज माइनस एंड दिस इज ओ सर एक्स रेज पावर एन इनटू डीएक्स इजंट इट। यस सर। आपने कहा आई मिलेगा हमें 0 टू 1 एक्स रेज पावर एन माइनस एक्स रेज पावर एन प्लस 1 होल डीएक्स। बेटा है ना। यस सर। आपने एक्स रेज पावर एन से मल्टीप्लाई किया, अब इंटीग्रेट कर लो। आपने कहा आई इज इक्वल टू एक्स रेज पावर एन की आएगी एक्स रेज पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1 है ना। यस सर। माइनस एक्स रेज पावर एन प्लस 2 डिवाइड बाय एन प्लस। बेटा लिमिट्स क्या देनी है 0 से लेकर 1 तक। जब 0 देंगे तो ये पूरा 0 तो 1 बचेगा। तो केस क्या बचेगा आपका, आई मिलेगा 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय n प्लस 2 यही मिला ना। यस सर। तो आपने कहा आई मिलेगा n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 इनटू n प्लस 2 दिस गॉन आई मिलेगा 2 में एक चलेगा 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। बेटा क्लियर? यस सर। हैव यू गॉट दिस? यस सर। सिर्फ ये याद रखना जब 0 टू f x dx। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना अच्छा क्वेश्चन है। आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। यस सर। तो आपने कहा बाय प्रॉपर्टी बोलना बेटा कौन सी करेंगे यूज 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स दैट इज 0 टू ए है ना। यस सर। एफ ऑफ ए माइनस एक्स इनटू डी एक्स इजंट इट। ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं ना। यस सर। तो कर लो क्या आएगा आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1 प्लस टेन एक्स 1 प्लस टेन ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स होल डी एक्स है ना। यस सर। तो आपने कहा दिस इज आई इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 log of 1 तो आपने ये बन गई फॉर्मूला tan of a minus b that is tan a minus tan b divided by 1 plus tan a tan b tan a tan b whole dx है ना। yes, sir. लेकिन tan 45 1 होता है। yes, sir. है ना। तो आपने कहा I is equal to 0 to pi by 4 log of 1 plus 1 minus tan x
डिवाइड बाय 1 प्लस 10 एक्स है ना बेटा. यस सर. इनटू डीएक्स. इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा. आपने कहा मुझे मिलेगा 1 प्लस. हां बोलो बेटा. आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4. हां लॉग 1 प्लस 10 एक्स 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 10. ये क्लियर हुआ कैसे? यस सर. इनटू डी बेटा 1 प्लस 10 एक्स 1 1 2 है ना. तो आपने कहा सर दिस इज I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 log m by n दैट इज log m minus log n plus 10 x होल डी है ना. यस सर. आपने कहा अलग अलग लिखूंगा I इज इक्वल टू सर 0 टू पाई बाय 4 log ऑफ 2 इनटू dx माइनस 0 टू पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस 10 x वेरी गुड इनटू dx. लेकिन जब हम इक्वेशन फर्स्ट देखते ना ये I के बराबर है ना. यस सर. क्वेश्चन यही है ना एक्चुअली. यस सर. तो आपने कहा सर this question will come like this I equal to 0 to pi by 4 as it is log to constant ko bahar ko dx. yes, aur ye sir I na I ban gaya 2i this is log of 2 dx ke I ke sir x 0 se lekar pi by 4 sir I ka value milega pi by 8 log 2. yes sir. thank you 2 for the right na. this is how we can solve. theek hai beta. yes sir. kar sakte ho na. yes sir. ab baaki jo questions hain that is the same pattern. theek hai. एक एक और क्वेश्चन लिखाऊंगा. सपोज आपका है वहाँ एक क्वेश्चन 13 क्या क्वेश्चन नंबर 13 है ना. यस सर. दैट इज लाइक दिस. आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 साइन ऑफ 7 एक्स इनटू डीएक्स है ना. यस सर. आपने कहा कि सर बाय प्रॉपर्टी दिस माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स जो है ना सर ये जीरो के बराबर होता है. yes, जब फंक्शन होगी आर जब एफ एक्स इज आर एंड सर दिस इज टू टाइम्स जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स जब फंक्शन है इवन है ना. yes, लेकिन जब यहाँ पर देखेंगे ना हम हमारे पास आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू है साइन ऑफ 7 एक्स डी एक्स है ना. yes, हमें पता है जो साइन एक्स है ना इट इज आर फंक्शन. yes, और जो इसका पावर भी है वो क्या है आर. तो आपने कहा हियर साइन 7 ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स साइन 7 एक्स है ना. इट इज ऑड फंक्शन देयरफॉर बाय अबव प्रॉपर्टी आई इज इक्वल टू 0. इसके बराबर आपके इसमें एक क्वेश्चन है शायद क्वेश्चन नंबर 12 माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स इनटू डीएक्स. इसमें कोई शक नहीं साइन तो ऑड है लेकिन साइन स्क्वायर से ये बनेगी इवन क्योंकि साइन स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है ना. yes, तो ये इवन फंक्शन है तो हम इसको कैसे लिखें I is equal to 2 times 0 to pi by 2 sin square x into dx. अब हमें पता है sin square को integration कैसे करने हैं. That is 1 minus cos 2x divided by 2 formula use करके then we can evolve. With this we finish तो आप लोग देखना ठीक है. इंशाल्लाह रहमान जो 12th का next lecture होगा that will be on differential equations. Okay, Allah Hafiz. आज के लिए इतना काफी.